तो सब्सक्राइबर्स कैसे हो? तो फ्रेंड्स कैसे हो? तो टटुओं कैसे हो? तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में पबजी का गेम प्ले लेके आया हूँ। और यार आपको बताना चाहता हूँ यार, ग्रोजा और MK14 सबसे डेंजरस गन है, क्योंकि यार आज इस मैच में मैंने आप जो है ग्रोजा और MK14 की ट्रू पावर देख ली। तो यार चलो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और भाई कुछ लोग मेरे को नूब कहते हैं, तो यार दो भी कहते हैं कि भाई नूब आती है, तो देख लो यार लोबी कैसी आई है। ठीक है, आरपी देख लो आप, और भाई बाद में नूब नूब कह देना। ठीक है, ये देखो इस वाली आरपी जो है मैच को ख़त्म करने वाला हूँ और यार चिकन डिनर निकालने वाला हूँ। तो भाई लोग चलो जो है गलत सीन करते हैं लिपोव का में। तो यार क्या हुआ ना, लिपोव का थोड़ा पास था तो मैंने सोचा वहाँ चले जाते हैं। मिल्टी रेरी में मेरे को इतना मज़ा नहीं आता जहाँ पर लिपोव का में आता है, तो मैंने सोचा भाई लिपोव का चलते हैं आज। तो चलो यार वहाँ पर गलत सीन करने चलते हैं और तब भाई मचाने चलते हैं। तो यार लिपोव का में एक डू आती है, तो चलो यार इनको भरते हैं पहले। और भाई ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो यार वो 100% वर्क करेगी हमेशा। अगर मान लो जब भी बंदे आप मतलब लिपोवका में आए हो ना, और यहाँ पे बंदे जो है वेयर हाउस के पास है, तो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। पहले यहाँ पर उतरना चाहिए जहाँ पर मैं उतरा हूँ। मेरे को पता था भाई यहाँ पे लिपोवका में वेयर हाउस के ऊपर ही उतरेंगे बंदे, तो यार यहाँ पर मुझे उजी आजी मिल जाती है। तो यार यहाँ पर देखो हाई ग्राउंड लेना है आपको। क्या लेना है? हाई ग्राउंड, ठीक है। और यार ये देखो साइड में ना लेफ्ट में एक वो है छत वाली है, तो यार उसके ऊपर चढ़ जाओ और हाई ग्राउंड लो। तो यार वो देखना कैसे वर्क करेगा। मैंने 100% इतनी बार वर्क कर रखी है नहीं ये चीज़, तो भाई मेरे को तो यार 100% हाँ प्रतिशत बहुत अच्छा लगता है ये वाली ट्रिक हाई ग्राउंड लेने वाली। यहाँ पर सीधे ऊपर पहुँच जाओ और भाई बंदों की वेट करो। ठीक है, ये देखो बंदा आ रहा है। तो भाई कोई कुछ भी कहे, नूब कहे कैंपर कहे हमें, ठीक है, लेकिन यार ये ट्रिक आप पक्का करो और भाई बंदों को भर दो। ये ट्रिक हमेशा काम करती है भाई। तो यार जो मैंने वो लोनी वुल्फ को मारा था ना, तो मैंने सोचा उसका कोई टीममेट आएगा। तो यार ये देखो ये क्या करके खड़ा है यहाँ पे, ये तो ऑफलाइन खड़ा है। तो यार इसको भी पेल देते हैं, तो हमारी जो पहली ही डुओ ख़त्म हो जाती है। और भाई ये बोट को भी पेल देता हूँ यार, किल के लिए बढ़िया है। बोटों पर अत्याचार देख नहीं सकता यार कोई भी, ठीक है, तो मैंने उसको शांति दिला दी। और भाई वो जो मैंने लोनी वुल्फ को मारा था ना, उसके पास मुझे मिल जाएगी फ्लेयर, और फ्लेयर में बढ़िया आएगी गन्स। तो देखो यार क्या आती है फ्लेयर में गन। और भाई यहाँ पर जो है हमारा फ्लेयर ड्रॉप आ जाते हैं, तो यार गलत सीन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यार यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है, और हम ही रश करेंगे सब पे, कोई भी इधर नहीं आएगा। और भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुके हैं MK14, ठीक है। और यार AUG तो मैंने ऐसे ही उठा ली,
ठीक है। और यार क्योंकि इसका रिकॉइल 0% होता है मेरे हिसाब से, तो यार मैंने इसको सोचा उठा लूँ। तो यार ओग आपको जहाँ भी मिले ना उठा लेना, अगर आपके पास बेकार हो ना गन तो यार उठा लेना, क्योंकि यार बहुत काम आती है ओग। इसका रिकॉइल बहुत कम है, ठीक है, AR-6X में बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। और यार MK-14 भी ले लेना, क्योंकि यार 10 गोलियाँ में ही 2 बंदे ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गन सबसे बेस्ट हैं। और यार जब भी ये मतलब ड्रॉप के वेपन्स आपको मिले ना, सब उठा लेना, क्योंकि यार सब बढ़िया थे DPS को छोड़ के। और यार इधर तुम्हारा भाई ना मतलब यार ढूंढते ढूंढते पागल हो गया यार, बंदों को एक बंदा नहीं मिल रहा यार। बोट भी मिल जाए तो बोट भी सही है यार, लेकिन एक बंदा भी नहीं मिल रहा। तो यार आगे देखो क्या गलत सीन होते हैं। अच्छा भाई बताओ गेम में क्या होता है, 4 बंदे या एक बंदे के पीछे पड़ते हैं ना सोलो में, या फिर डुओ में 2 बंदे एक बंदे के पीछे पड़ते हैं ना। इधर मैं भैया 2 बंदों के पीछे पड़ जाऊँगा, ठीक है। देखो यार क्या सीन होने वाला है इधर। तो यार इधर कुछ मैं बोलूंगा नहीं, सीधा फाइट देखो इनकी। और भाई स्प्रे देने से तो कुछ नहीं हुआ, सीधा जाके पेलना पड़ेगा। तो चलो इनको पेल के आते हैं। और यार इस थर्ड पार्टी के लिए ना यार कर दो सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। और यार चलो अब बंदों की वाट लगाने चलते हैं किसी और बंदों की। और यार 10 बंदे अलाइव हैं, तो चलो पेलते हैं बंदों को। और भाई ये कौन है? तो यार मुझे पहले ही पता चल गया था ये लाल गाड़ी के पास कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि यार ये लाल गाड़ी ना ड्रॉप पे लूट रही थी कुछ, मैंने देखा था दूर से ही देख लिया था मैंने। और भाई स्पोर्ट हो गया था, एक ही बंदा है। और यार मुझे पता था ये पक्का यहाँ पे जो है देख रहा होगा क्या होने वाला सीन, तो यही सोचता रह गया भाई क्या सीन होने वाला, और मैंने इसको पेल दिया। और यार चलो अब बंदों की वाट लगाते हैं, बस 9 बंदे बचे हैं, तो यार जल्दी से मेरे को किल करने पड़ेंगे, नहीं तो बंदे यार आपस में भिड़ जाएंगे और मर जाएंगे यार। तो यार इधर आगे से ना शॉट आ रहे थे, ठीक है, M4 वगैरह के, तो मैंने सोचा यार उसको भी जोन में जाना है, मुझे भी जोन में जाना है, तो यार वो बाहर पक्का आएगा, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और उसको पेल के ही जाएंगे अब। लेकिन यार मुझे ये नहीं पता है कोई यहाँ पर एक और बंदा यही कर रहा है मेरे जैसा ही। और यार इस भाई ने यार आर्कटिक पावर को यूज़ कर ही दिया था, मतलब यार ये बचने वाला था, वो तो ऐसे अंतिम में स्प्रे पड़ गया इसको। और यार इसको देखो मेरे जैसा ढीठ इंसान दूसरा भी था जो ये ग्रोजा वाला भी यही कर रहा था मेरे ख्याल से, उसको बंदे को मारना। तो चलो इसको भरते हैं अब। तो यार मेरे ख्याल से ये भी उसी चीज़ का मतलब यार कर रहा था काम जो मैं करना चाहता था, मतलब यार उन घरों के साइड पे जो बंदा मैंने पेला ना जो आर्कटिक पावर यूज़ कर चुका था, मेरे ख्याल से ये भी उसी को पेलने के फिराक में था, लेकिन इसको पता नहीं था मैं भी यही कर रहा हूँ। ढीठ इंसान हम भी हैं यार, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना। तो यार चलो यार मेरे जैसा भी कोई आया गेम में, मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो चलो अब ग्रोजा यार MK मिल ही गई है, तो यार इनसे जो है ट्रू पावर देख लेते हैं, ठीक है। चलो यार बंदों को पेलते हैं। तो यार यहाँ पे मैं टावर पे चढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे हाई ग्राउंड मिल जाएगा। तो चलो यार टावर पे चढ़ के इस बंदे की वाट लगाते हैं। और भाई तुम्हें सच बता रहा हूँ यार, मेरा यार पबजी से विश्वास उठ गया,
मतलब यार कितने नूब कैंपर हैं यार, देख रहे हो, मतलब एक गोली एमके की पड़ी उसको, एक गोली सिर्फ यार, एक गोली। मतलब मैंने ना सर पे मारी ना वेस्ट पे, मतलब वेस्ट पे लगी होगी ठीक है, अगर मान लो वेस्ट उसका 50% डैमेज होगा ठीक है, तो भी यार उसकी इतनी हेल्थ नहीं जाती कि भाई वो बंदा फिनिश हो जाए ठीक है। और यार ये चीज़ देख के यार कुछ लोग तो हैकर ही कह देंगे, लेकिन यार मैं सच बताऊँ तो मेरे ख्याल से वो किसी से डैमेज था, इसीलिए यार मैंने जब उसको मारा ना तो यार ऐसा ही हो गया कि भाई एक गोली में वो ख़त्म हो गया। और भाई बैठा हुआ यार, ये ना कि जिगल जुगल कर ले, बैठ के आराम से मेडकिट मार दे, नहीं भैया वहाँ पे आराम से बैठ के पता नहीं यार क्या ही टट्टी कर रहा था वो। तो चलो आगे बंदे जो आएंगे यार उनको भरते हैं, अब यार एक ही टू बाकी है तो भाई वो बड़ा परेशान करने वाले हैं, तो चलो उनको भी मारते हैं अब। तो यार यहाँ पे मुझे आखिरी जो है डुओ स्पॉट हो जाती है, और भाई दोनों गिल्ली सूट में थे यार, मतलब यार इनके पास ड्रॉप के वेपन पक्का होंगे ठीक है, गिल्ली सूट है तो यार आपको पता ही है गिल्ली सूट इज इक्वल टू ड्रॉप के वेपन। तो यार ये पता नहीं यार कितने साल होंगे यार, कितने दिन हो गए, लेकिन यार ये रीज ग्लिच ठीक नहीं हुआ यार। देखो बंदे को पेल रहा हूँ, लेकिन यार बंदे को एक ही गोली लगी क्योंकि यार उसने सर दिखा, ये देखो भाई कितना गंदा ग्लिच है यार, पबजी पैसे पूसे कमाने के लिए इतना सब कुछ करे जा रहा है, लेकिन यार ये तो यार रिज ग्लिच तो बहुत गलत है यार, इसको ठीक करना चाहिए यार, सही में यार ये बहुत गलत ग्लिच है यार। तो यार ये देखते देखते पास आ जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता, तो यार देखो यार कितनी परेशानी खड़ी करने वाले हैं अभी ये। तो भाई यहाँ पे मुझे जोन में भी निकलना था ठीक है, और यार पता नहीं यार कैसे हो पाएगा सर्वाइवल, लेकिन यार चिकन डिनर निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और यार इस सांप को देखो,
और यार वो जो लास्ट बंदा है ना वो रिज के पास है, तो यार मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यार देखो कैसे इसको भरते हैं और भाई मरते मरते बचाऊं, क्योंकि यार मुझे पता नहीं था यार ये वहाँ पर है जहाँ पर मैं सोच रहा था ना, वहाँ पर तो था ही नहीं है। और भाई तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था यार ये दोनों कहाँ पर होंगे। ठीक है, और यार फिर भी चिकन चुकन निकल जाता है। और यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसको थोड़ा सा जोन से डैमेज मिला होगा, ज़्यादा मिला होगा, इसीलिए यार ग्रोजा की एक ही गोली से मर गया। तो यार ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग बाय।